चौरासी वा स्वर्ग शिव और शक्ति के स्वरूप का विभाग पूर्वक वर्णन तथा सूप आदि की माला के अनुस्वरूप का भी सत्य सत्य विचार सत्य सत्य विचार पूर्वक वर्णन। श्री रामभद्र जी ने कहा, ये मुनि आपने जो ये सब वर्णन किया कि भगवती काली नृत्य कर दी थी, अब आप उनका असली स्वरूप बताइए और वह जो सूप हल्की फाल कुदाल मुसल आदि भी माला पहनी थी, उस माला के सूप आदि का क्या स्वरूप है, कृपया मुझसे ये कहिए। इस श्लोक में काम कालह किमी व नृत्यति पाठ्यांतर भी है, इस पाठ में भी कालांत कलात्मक काली के स्वरूप का ही प्रश्न समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त ग्रंथ में नृत्य एवं सूप आदि की माला का ही वर्णन है। शिव जी के स्वरूप निरूपण किए बिना शक्ति के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का साक्षात स्वरूप बतलाने का उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र जो वह भैरव है वह तो चिदाकाश स्वरूप शिव जी ही कहे जाते हैं, उस शिव जी की वह मनोमय स्पंदन शक्ति रूपा काली अन्यत्र ही है, ये आप जानिए। यही माया है, यही शिव जी के में एक रूप से अध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता और स्फूर्ति से स्वयं सत्ता एवं स्फूर्ति से युक्त बनती है, इसलिए शिव जी से अनन्य है। चलन स्वभाव जो रजोगुण है उसकी प्रधानता आने पर स्पंदन शक्ति कहलाती है, और सत्य गुण की प्रधानता से अपने में चारों ओर इसी प्रकार से सृष्टि आदि का संकल्प विकल्प करने के कारण मन की समता ग्रहण करती हुई मनोमय कही गई जाती है। दो दृष्टांतों से माया में अन्यत्व का समर्थन करते हैं। भद्र जैसे पवन और स्पंदन दोनों एक ही वस्तु है, तथा जैसे उष्णता एवं अग्नि दोनों एक ही है, वैसे चिन्मात्र शिव एवं स्पंदन शक्ति रूप माया दोनों एक ही सदा एक ही स्वरूप है, भिन्न स्वरूप नहीं। यतो वा इमानी भूतानी इत्यादि श्रुतियों में जगत सृष्टि प्राण स्पंदन आदि क्रिया से ही शिवात्मक ब्रह्म का लक्षण करने के कारण भी माया एवं शिव दोनों अनन्य है, ये कहते हैं। जैसे स्पंदन से वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णता से अग्नि ही कही जाती है, वैसे ही शिव से भी निर्मल शांत चैतन्य मात्र ही कहा जाता है। स्पंदन रूप माया शक्ति से ही वह शिव जी लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। शिव जी ही ब्रह्म रूप है, वे ही शांत और वाणी विशारदों के अवाच्य है। शोकामत्तम इत्यादि वह स्पंदन शक्ति ही शिव जी की इच्छा है, वह इच्छा इस दृश्यात्म भाव का उस प्रकार विस्तार करती है जिस प्रकार साकार पुरुष की इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है। माया की जो स्पंदन शक्ति है वही स्वरूप ब्रह्म रूप शिव जी की इच्छा है, वह इच्छा इस दृश्याभास का उस प्रकार विस्तार करती है जिस प्रकार साकार पुरुष की इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है। भद्र उससे सिद्ध हुआ कि शिव की उक्त इच्छा ही कार्य करने में दक्ष है, अतः समस्त आकार से रहित शिव जी की स्पंदन शक्ति रूपा इच्छा इस समस्त दृश्याभास का निर्माण करती है, वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास के द्वारा दीप्त होकर जीव चैतन्य कही गई है, क्योंकि वही जीवनाभिलाषियों का जीवन है, वही जीवन के आकार में परिणित होती है, अतः समस्त सृष्टि की प्रकृति भी वही है। दृश्यों में पदार्थों में प्रतीत होने वाले उत्पत्ति आदि विकारों का संपादन भी वही करती है, अतः क्रियारूप भी वही है। व्याघ्र चर्म धारण की हुई शुष्क मासा एवं अति भयंकर देवी इत्यादि पुराणों में उसकी जो शुष्कता प्रसिद्ध है उसी में भी निमित्त बतलाते हैं। श्री राम जी वह शुष्क
शुष्का भी कही जाती है क्योंकि समुद्र आदि के जलों से आर्द्र आद्र ब्रह्मांड रूप शरीर धारिणी व बड़वा वड़वाग्नि की लपट के सदस्य लपटधारी आदित्य आदि की ज्योतियों से खूब सुख जाती है। दुष्टों के लिए क्रोध की मूर्ति होने से चंडिका तथा उसका कमल के सदन वर्ण वाले होने से उत्पला कही जाती है। जब वह एकमात्र जयनिष्ठ हो जाती है तब जया सिद्धों की शरण होने से सिद्धा जया होने से जयंती तथा विजय का आश्रय होने से विजया कही जाती है। महाशक्ति के कारण अपराजिता उसका स्वरूप दुर्निग्रह होने के कारण दुर्गा तथा ओंकार की सारभूत शक्ति होने के कारण उमा भी कही जाती है। जप करने वाले के लिए परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण गायत्री प्रसव की भूमि होने से सावित्री तथा स्वर्ग अपवर्ग के साधन एवं समस्त कर्म उपासना के विज्ञान की विस्तार रूप होने से सरस्वती भी कही गई जाती है। चूंकि माया का स्वरूप अति गौर है अतः वह गौरी है, वही शिव जी के शरीर की चिर संगिनी है। सुप्त और जागृत जितने प्राणी त्रैलोक्य में स्थित है उसके हृदय में अकारादि मात्राओं से रहित शब्द ब्रह्म रूप प्रणव के नाद का उच्चारण सदा होता रहता है। उसी से जो अंगुष्ट परिमित हृदय कमल के छिद्र में लिंगाकार में स्थित शिव जी है उसके मध्य उनके मस्तक में भूषण रूपा बिंदु रूपा जो उमा रूपा इंदुकला है वही कही जाती है। शिव और शिवा दोनों आकार रूप है आकाश रूप है अतः उसका शरीर आशीत यानी नील प्रतीत होता है। शिव और भगवती दोनों भगवती शिवा दोनों तो चेतन रूप है इसलिए वे जड़ आकाश रूप कैसे हो सकते हैं इस आशय पर कहते आशंका पर कहते हैं। चूंकि चिद्रूप शिव और शिवा ने मास में अपने शरीर के सदस्य श्यामवर्ण आकाश को सृष्टि संकल्प दृष्टि से कल्पा है इसलिए श्याम सा एवं जड़ सा दिखाई देता है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही आकाश रूप वे भी आकाश में अपने स्वरूप में निराधार स्थित है। उनकी अमृतता और स्वच्छता भी आकाश के ही सदस्य समझनी चाहिए। ये कहते हैं शिव जी और शिवा दोनों आकाश के सदस्य हैं और उनका स्वरूप अमृत है। आकाश के बड़े भाइयों के समान वे दोनों ही अत्यंत स्वच्छ है। जब अमृत है तब हाथ पैर आदि तथा हाथ हलादि माला का धारण कैसे हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भद्र हाथ पैर मुंह तथा सिर आदि की बहुलता एवं अल्पता के भेद से अनेक रूपता विचित्रता तथा मालादि का धारण है उसे आप सुनिए। भद्र एकमात्र स्पंदन रूप वाली क्रियात्मिका वह भगवती यद्यपि अनादि अनंत रूपा चिद शक्ति है तथापि अपनी इच्छा से अपने समस्त वैदिक क्रिया रूप बनकर उसने दधात स्नायात दो नवो और होमो इत्यादि वेद वहित दानादि उत्तम शरीर धारण किया है। वास्तव में वह देवी स्पंदन धर्मयुक्त कमनीय दृष्टि की दृश्य श्री आकाश रूपिणी है इसलिए उस काली भगवती के जो नाना विविध अभिनयों से पूर्ण नृत्य है वे सब ब्रह्मा के कर्मफल रूप सब प्राणियों के जन्म स्थित आदि के प्रकार हैं ये जानना चाहिए। अतः ये देवी क्रिया रूपा है इसलिए उसका अवयव मानना चाहिए क्योंकि निरवय वस्तु से कोई क्रिया हो नहीं सकती। इस परिस्थिति में अपना ठीक स्वरूप निहारने के लिए ही कल्पित हाथ पैर आदि अवयव रूपा होकर अपने भीतर ग्राम नगर द्वीप मंडल आदि की मालाएं धारण करती है और उससे स्पंदन करती है यानी अपनी क्रिया रूपता प्रदर्शित करती है। काली शब्द की व्याख्या में भी उनकी एकमात्र क्रिया स्वभावता तथा ब्रह्मांड शरीर से
ब्रह्मांड शरीर होने से समस्त लोकादि अवयव धारिणी होना भी सिद्ध हो जाता है। इस आशय से कहते हैं भद्र ये काली है। तात्पर्य है कि कल गतो संख्ये च, इस धातु से काल और काली दोनों शब्दों का निर्माण हुआ है। वेदा वैयाकरण लोगों का कहना है कि कल धातु तो एक कामधेनु के कल धातु तो एक कामधेनु है, यानी कामधेनु से जो चाहे दुहा जा सकता है, वैसे ही कल धातु से जो भी अर्थ निकालना हो निकाला जा सकता है। इसलिए ये लाखों ब्रह्मांड रूप बीज कोषों की निर्माण कत्री है, धारण कत्री है और परिणाम आदि विकारों को प्राप्त भी कराती है। यो स्वयं क्रिया रूप होती हुई कमल लता से सदस्य श्यामला भी बन गई है। इसलिए अपने फूल आदि अवयव रूप इस पृथ्वी आदि दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करती है। यो जगत रूप अंगों को धारण करने पर भी उनकी असंग उदासीन चिद्रूप शिव स्वभावता होने के कारण वास्तव में निरवयवता ही है। ये कहते हैं वास्तव में चित्ती रूपा वह देवी न तो कभी शब्दों से वर्णित हो सकती है और न हो सके कोई अवयव ही है। भद्र केवल यही आप जानिए कि वह शिव स्वरूप से भिन्न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है। अंगों के न रहते भी व्यपदेश होने में दृष्टांत देते हैं। भद्र जैसे आकाश का शून्यत्व है, वायु का स्पंदन है, चंद्रमा चंद्रिका का लेखने वाला कुमुद आदि अंग है, वैसे ही चित्ती का क्रिया एवं दृश्य अंग है। इस प्रकार उसका कालात्मक जगत अंग वाला क्रिया स्वरूप का वर्णन कर वह उसका वास्तविक स्वरूप बतलाते हैं। वास्तव में उसका स्वरूप शिव शांत आया सररहित आया सररहित अविनाशी एवं निर्मल है, ये आप जानिए। उसमें तनिक भी निश्चलता या स्पंदन धर्मता नहीं है। उसका जैसा क्रियात्मक स्वरूप है वह तो अबोध काल में दिखाई पड़ता है और शिवात्मक स्वरूप बोध रूप में प्रत्यक्ष होता है, यही असली ये वह है ये कहते हैं। अज्ञान दशा में वह उक्त स्वरूपा क्रिया ही है, पर जब बोध रूप बोधवश यानी ज्ञानवश क्रिया स्वभाव से मुक्त होकर वास्तव रूप धारिणी हो जाती है तब उसकी शिव संज्ञा पड़ जाती है। जैसे शिव ही कहा जाता है, कुटस्थ चित्ती शक्ति रूप देवी की अपने स्वरूप में जो अविद्या से प्रतिकूल स्पंदन जड़ आदि स्वभाव से स्थित है वही क्रिया कही जाती है। और विद्या से जब उसकी वास्तविक विशुद्ध अनुकूल चैतन्य रूप स्थिर हो जाती है तब उसे शिव कहा जाता है। भद्र चित्ती शक्ति की स्वरूपभूत विशाल आकृति वाली इस क्रिया रूपा देवी के जिसने की कल्पित स्वरूप धारण कर लिया है ये कहे जाने वाले सारे पदार्थ अभिन्न अवयव ही है। जिसने कल्पित जगत रूप देह धारण किया है उस काली के नृत्य में कल्पित गीतों के सदस्य कल्पित सूर्य आदि की माला का धारण करना भी उचित ही है। ये सब उसके अनन्य अवयव है। विद्यमान जगत जनता वर्ग से युक्त सृष्टिया आलोक से भास्वर लोक दिव्य एवं सागरों से पूर्ण पृथ्वी वन और भूमि से युक्त पर्वत अंग उपांगों से विद्या स्थान तथा गतियों से विधि निषेध रूप अर्थों से एवं शुभाशुभ कल्पनाओं से युक्त वेद षोडशों रूप पुरुड़ा स्वरूप द्रव्य से वर्णित होने वाले राजे ओखली आसन सुपर खंभों से युक्त
दक्षिणाग्नि वाले यक्ष त्रिशूल बाण एवं शक्ति आदि अनेक विध आयुध से भी वह बंदूक गदा प्रास घोड़े हाथी योद्धा आदि से युक्त संग्राम एवं पृथ्वी तथा 14 लोक ये सभी उस महादेवी के अंग है। इस प्रकार अपने दो प्रश्नों का यद्यपि समाधान तो किया तथापि पूर्व सर्ग में उक्त इस शंका का समाधान नहीं हुआ है कि जैसे द्वैत और ऐक्य एक काल में रह सकते हैं, क्योंकि विनिष्ट असत पदार्थ किसी अर्थ किया अर्थ क्रिया का संपादन नहीं कर सकते। अपने वास्तविक से के प्रभाव से कार्य का अस्तित्व पैदा करना ही कारणों की कार्यार्थ क्रिया है और उपादान के साथ उस उपादान के साथ कार्यों की अर्थ क्रिया कारिकता या सत्ता का अपहरण नाश है। एक समय में कार्यों में सत्ता या सत्ता का अपहरण करना कारण नहीं कारण कर नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जो कि अपने किरणों की सत्ता के साथ अपनी भी सत्ता खो बैठते हैं, प्रलय में अपनी अपनी अर्थ क्रिया का निर्वाह कभी नहीं कर सकते। इस आदेश को लेकर श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान रुद्र और काली के शरीर को धारण की हुई विचित्ति के अंग में प्रलय काल में भी अतीत अनागत आदि समस्त सर्ग कल्प और प्रलय आदि स्थित है। ये जो आपने वर्णन किया है उसमें जो उसमें आपने एक प्रश्न करता हूँ वह ये है कि जो सृष्टि आदि स्थित है वे क्या स्वभाव आदि क्रिया अर्थात समर्थ आत्मा में स्थित है, यानी सत है या मृग तृष्णा जल के सदस्य असत्य सत स्वभाव से रहित है। ये कहिए, जगत और प्रलय की कभी भी न तो आत्यंतिक सत्ता है और न आत्यंतिक असत्ता है, किंतु सत्य संकल्प का अनुसरण करने वाली चित्ती ने जिस सत्य स्वरूप से प्रकाशित किया वह सत्य है, जिसे असत स्वरूप से प्रकाशित किया गया वह असत्य है। इसलिए किसी भी पदार्थ का स्वतः कोई रूप नहीं कहा जा सकता। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रलय काल में भी एंदव स्वर्ग स्थित थे और वे अर्थ क्रिया समर्थ भी थे, क्योंकि चित्ती का वैसा संकल्प था तथा नहीं भी था, क्योंकि चित्ती का अन्य संकल्प भी था। इसका पूर्व में वर्णन भी किया गया है। यो संकल्प भेद आदि सृष्टि से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, श्री राम जी वास्तव में तो सब कुछ चित्ती शक्ति है, इसलिए तत्त्व भोक्ता प्राणियों के भेद द्वारा सृष्टि निर्मित का प्रलय निर्मित जिनका जिस वस्तु में रूप में सत्य संकल्प चित्त ने संकल्प किया उसका उसी के रूप में उस भोक्ता को भोक्ताओं ने भी अनुभव किया था। उन अनुभवकर्ताओं की दृष्टि से ये समस्त जगत सत्य सा ही है और अन्यों की दृष्टि से अत्यंत अप्रसिद्ध के कारण असत्यता असत्य सा भी है। क्यों सत्य सा भाषा इस पर कहते हैं, भद्र बाह्य मुख आदि बिंब को लेकर जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है ठीक वैसे ही पूर्वानुभव जनित वासना को लेकर उस तरह प्रतिबिंब हुआ, साक्षी चेतन उसी में विद्यमान है। अतः अर्थतः उस अनुभवता के प्रति सत्य ही है असत्य नहीं। असत्य क्यों है इस पर कहते हैं, उक्त अनुभव के बल से पदार्थों की सत्यता के होने पर भी चेतन रूप का चेतन रूप में प्रवेश न हो सकने के कारण जगत संकल्प नगर के सदस्य मिथ्या ही होगा। जब दृढ़ ध्यान से चित्ती का आवरण रूप मल हट जाएगा तब वह प्रतिबिंब हो नहीं सकती, फिर सत्यता की चर्चा ही क्या। अज्ञानों की दृष्टि से जगत में प्रतीत्यात्मक सत्यता जो है वह उसे स्वप्न आदि के पदार्थों में भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अनुरूप अर्थक्रिया का कारिता उसमें भी देखी जाती है। यूँ कहते हैं, धर्म भद्र दर्पण में प्रतिबिंबात्मक या स्वप्न में दृश्यमान या
संकल्प में कल्पित जो सृष्टि है वह भी तो अज्ञानियों की दृष्टि से सिद्ध प्रत्यात्मक सत्य हो सकती है, क्योंकि वह अपने अनुरूप अर्थ क्रियाकारी है ही, फिर उसे सत्य ही मानना चाहिए, ये मेरा मत है। राघव, यदि आप कहे कि दर्पण के भीतर विद्यमान घट आदि में आदि मेरे लिए बाहर जलाहरण आदि करने में समर्थ नहीं है, अतः सत्य नहीं है, तो इस पर मैं ये कहता हूँ, सुनिए, ठीक ही है। ये वह दर्पण में रहने वाली चीज बाहर का आकर कैसे अर्थ संपादन करेगी? दूसरे स्थान में स्थित वस्तु दूसरे स्थान में कुछ अर्थ संपादन नहीं करती, इसलिए क्या उसे असत्य समझ लेना चाहिए? अपने आपके जो घट आदि पदार्थ उसे घट आदि पदार्थ दूसरे प्रदेश में रखे हैं, वे क्या आपके घर में आकर कुछ अर्थ करने में समर्थ हैं? ऐसे सब पदार्थों की समय जैसे देशांतर में अर्थ क्रिया कारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही दर्पण स्वप्न आदि में प्रतिबिंब आदि की भी अर्थ क्रियाकारिता है। जैसे देशांतर में स्थित गांव उसमें गए हुए पुरुष के लिए अर्थ क्रियाकारी होता है, वैसे ही स्वप्न आदि के दृष्टा के रूप को प्राप्त हुए पुरुष के लिए स्वप्न आदि के समस्त भाव अर्थ क्रियाकारी होते ही है, क्योंकि यही अर्थ का निश्चय है। इसलिए तत्त्व अर्थ क्रिया को देखने वाले दृष्टा की दृष्टि से ही वह सत्य ठहरता है, दूसरे की दृष्टि से नहीं। जो प्रतिबिंबादि की सत्यता व्यवस्थित हो जाती है, यो कहते हैं भद्र, जो पदार्थ यथार्थ में सकल अर्थ क्रियाकारी दिखाई देता है, उसे देखने वाले दृष्टा के प्रति वह सत्य है, और उसे न देखने वाले अन्य के प्रति वह असत्य है। इसी प्रकार प्रकृत में भी योजना करनी चाहिए, यो उपसार करते हैं श्री राम जी। इसलिए चित्ती शक्ति के कोष में अवस्थित समस्त सृष्टिया स्वप्नादि दृष्टा रूपता को प्राप्त हुए पुरुष के प्रति सत्य है, और अन्य के प्रति सब असत्य है, क्योंकि तदगत सत्यता का प्रयोजक अधिष्ठान भूत आत्मा है ही। भूत वर्तमान एवं भविष्य के जितने भी संकल्प स्वप्न आदि के नगर आदि हैं वे सब सत्य ही हैं। यदि सत्य न हो तो सर्वात्मा ब्रह्म चोटी का तत्व कैसे हो सकेगा? कहीं भी अत्यंत असत वस्तु का तात्विक रूप आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए दूसरे के सपनों में अनुकूल होने वाले पदार्थों का योगी लाभ करते हैं और भोग भी करते हैं। ये कहते हैं जैसे अन्य स्थान में विद्यमान पर्वत गांव आदि पदार्थ वहाँ गमन करने से प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही स्वप्न दृष्टा पुरुष से भिन्न दूसरा योगी सिद्ध पुरुष भी परकाय प्रवेश सिद्ध द्वारा उसके हृदय में जाकर उसका मन रूप होकर उसके स्वप्न पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। नृत्य से भगवती कालरात्रि के चलित होने पर भी उसकी देह में स्थित भूमि आदि का चलन न होने में दृष्टांत कहते हैं, यदि पलंग धीरे से अन्य स्थान में हटाया जाए तो उस पर गाढ़ निंद्रा में सोया हुआ पुरुष शयन स्थान से अन्यत्र ले जाया गया, परंतु उसका स्वप्न नगर तो लुढ़का ही नहीं और शरीर तो लुढ़का हुआ ही माना जा सकता है। बस इसी प्रकार नृत्य कर रही काल रात्रि का शरीर चलित हुआ, परंतु शरीरगत जगत चलित हुआ ही नहीं, ये भी हो सकता है। दर्पण के प्रतिबिंब के सदस्य उसके शरीर में जगत स्थित रहता है। श्री राम भद्र यो त्रैलोक्य का महान आरंभ सत्य होते हुए भी केवल भ्रांति मात्र ही है, जो भ्रांति मात्र रूप है उसी का लुढ़कना क्या मूल्य रखता है? ये बताइए कब स्वप्न नगर नष्ट हुआ और कब अवस्थित रहा? भद्रवाण भगवती काली
के अंगों में स्थित वह समस्त दृश्य श्री केवल भ्रांति रूपा ही है, अतः आप इस समय की जगत लक्ष्मी को भी अवश्य जगत लक्ष्मी को भी असत्य भ्रांति रूप ही जानिए। राघव संकल्प मनोराज्य स्वप्न कथा एवं ब्रह्म दशा में जैसे नगरों का अनुभव भ्रांति मात्र है, वैसे ही त्रिलोक के अनुभव को भी आप भ्रांति रूप ही समझिए। भद्र चित्त रूप आत्मा के अंदर यह मैं और अहम मतलब मैं और जगत नाम की कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं, किंतु आकाश कुशता मतलब अल्पता के सदस्य केवल भ्रांति ही चमकती है। आकाश में कुशता का कालिमा नहीं है, वह केवल भ्रांति से वैसा दिखता है। इसलिए इस दृश्य श्री को निपुणता से देखा जाए तो वह शांत हो जाती है। 84वां सर्ग समाप्त।